वहीं दिल्ली के स्कूलों में मेगा पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के साथ साथ आज एमसीडी के स्कूलों में भी पीटीएम हो रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल भी एक स्कूल में पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। कहा कि केजरीवाल सरकार का शिक्षा पर फोकस है और यही वजह है कि केजरीवाल सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों की तर्ज पर एमसीडी के स्कूलों में भी पीटीएम का आयोजन किया गया है और भारी संख्या में अभिभावक पहुंच रहे हैं। आतिशी ने कहा है कि अभिभावकों का उत्साह बता रहा है कि वो भी बच्चों की शिक्षा में भागीदारी चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हमेशा शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया है और जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई है तब से माता पिता की भागीदारी हमने स्कूलों में इंश्योर करी है। मेगा पीटीएम हुई है, बहुत भारी संख्या में लोग निकल कर आए हैं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि अब दिल्ली सरकार में और एमसीडी में दोनों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज एक ज्वाइंट पीटीएम हो रही है और मैं ऑलरेडी देख रही हूँ कि सुबह 8:30 बजे का समय पीटीएम शुरू होने का था और ऑलरेडी स्कूल में इतने सारे बच्चे उनके माता पिता आ चुके हैं। तो ये यही दिखाता है कि माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में भागीदारी करना चाहते हैं और अब यही भागीदारी एमसीडी के स्कूल्स में होगी। जिस तरह से शिक्षा क्रांति दिल्ली सरकार के स्कूलों में आई है अब एमसीडी में उसकी शुरुआत हो रही है। आज एमसीडी के स्कूल्स भी इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरह हमारे स्कूल्स बने हुए हैं। तो इस मेगा पीटीएम को लेकर जो एक्साइटमेंट है बच्चों में, पेरेंट्स में, दिल्ली की जनता में, हमारे पार्षदों, आम आदमी पार्टी के हमारे विधायकों, सुबह 7-7 बजे से अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपनी विधानसभाओं में, अपने अपने वार्डों में एक्साइटमेंट के साथ और पेरेंट्स बच्चे बहुत बड़ी तादाद में पूरी दिल्ली के कोने कोने में दिल्ली सरकार के स्कूल्स, एमसीडी के स्कूल्स आज मेगा पीटीएम का इंतजार कर रहे हैं और इसका बहुत खुशी से आज जिस तरीके से मेगा पीटीएम हो रही है तो आप समझ लीजिए कल एक पेरेंट्स का कॉल आया मेरे पास कि मेगा पीटीएम ऐसा एक ऐसी चीज करी है कि पूरी रात एक्साइटमेंट रही है कि सुबह 7 बजे से ही हमारे स्कूल में पुरानी दिल्ली के अंदर आज समझ लीजिए हर स्कूल के अंदर भीड़ लगी हुई है।